अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, नेक पे फाइन लाइंस पड़ गई हैं, 25 के बाद आपके फेस पे कोलेजन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से 30 के बाद आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ और रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन डल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शोज़ब सालिहा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। सबसे पहले आपको अलसी के बीज चाहिए होंगे, फ्लैक्स सीड, ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएंगे। आपको 2-3 स्पून अलसी के बीज के ले लेने हैं, ठीक है। उसमें आपने एक ग्लास पानी ऐड करके बॉईल कर लेना है, अच्छी तरह पका लें। जब जेल फॉर्म में आ जाएगा ना, तब आपने फ्लेम को बंद करना है, नॉर्मल फ्लेम में आपने पकाना है और आपने चेक कर लेना है कि जेल सी फॉर्म बन गई है तो आपने बंद करना है। अगर ये जेल नहीं बनेगी, थिक सा नहीं होगी, जेली फॉर्म में, तो इसका कोई फायदा नहीं है, आपने प्रॉपरली इसको पकाना है। और इसको अगर आपने स्ट्रेनर की हेल्प से छानना है ना, तो आपने फ़ौरन इसको छान लेना है गरम गरम को, वरना ये अलसी के बीच अलग नहीं होते। हाँ, अगर आपने कपड़े की हेल्प से इसको अलग करना है जेल को और अलसी के बीच को, तो उससे हो जाएंगे, लेकिन जब गरम गरम करना है, स्ट्रेनर में करना है, तो गरम गरम आपने करना है, ठीक है, ताकि वो अलग हो जाए। और आप देख सकते हैं इसकी जेल फॉर्म होनी चाहिए प्रॉपरली, जैसे आप यहाँ पे एक जेली फॉर्म में आ रही है। मैं इससे पहले भी अलसी के बीज के बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बता चुकी हूँ, बालों के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं आप लोगों को ये स्किन से रिलेटेड बता रही हूँ, ये आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। आप मेरे हेयर वाली फ्लैक्स सीड की रेमेडीज़ भी चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। फिर आपने जब चेक कर लिया जेल फॉर्म में अच्छी तरह बन गया, उसके बाद आपने इसमें विटामिन ई कैप्सूल डालना है प्रिजर्वेटिव के तौर पर। और वैसे भी विटामिन ई कैप्सूल जो स्किन के लिए है वो बहुत अच्छा होता है, आपको फार्मेसी की दुकान से 10 रुपीस में मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस में है, लेकिन आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है चावलों का आटा। मैं पहले कोरियन रेमेडीज़ या बालों के मास्क, फेस से रिलेटेड कोई भी रेमेडी चावल जिसमें ऐड होते थे उसमें ये कहती थी 2-3 स्पून आप चावल ले लें, उसको ग्राइंड करके यूज़ कर लें। अब इसमें मैं चावलों का आटा ले रही हूँ, इससे टाइम सेव होगा आपका, आप लोगों को चावलों का वही मिक्सचर मिलेगा, बस आपको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। ये ग्रीन टी जो मैं आप लोगों को दिखाई है, ये मैंने पहले डिटॉक्स बनाने से कहता था, उस रेमेडी रिकॉर्ड करते साथ साथ मैं अपनी फैट कटर टी पी रही हूँ, क्योंकि वेट को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, बैक टू टॉपिक, अब हम लोग चावलों का जो आटा लिया था 1 स्पून, उसमें मैंने डाल दिया है 1/2 ग्लास पानी। आप लोग उस तरीके से भी चावलों का यूज़ कर सकते हैं, उसमें यह है कि ग्राइंड भी करने पड़ते थे, पानी ज़्यादा पका के बॉयल भी करना पड़ता था। अब इसमें यह क्या है, आपने पाउडर को ऐड करना है और थोड़ा सा पानी डालना है और सेम पेस्ट बन जाएगी, और प्रोसीजर बस शॉर्ट हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। बाकी टेक्स्चर भी वही है, मिक्सचर भी वही है, बस ग्राइंड हुए थे ऑलरेडी और आपने बस हल्का सा कुक करना है और आपको एक ज़बरदस्त पेस्ट फॉर्म में आपका मिक्सचर बन गया है। यह है कि ग्राइंड करने के बाद ऐसा मिक्सचर मिलता था, अब इस तरह ही आपको प्रॉपर मिक्सचर मिल गया है। तो ये आपकी चॉइस है, आप चावलों का आटा यूज़ करना चाहिए, चावलों को पका के ग्राइंड कर लें, एक ही बात होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अच्छी तरह अपना बर्तन साफ़ करना है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी, कोई इंग्रेडिएंट आपने कभी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपने एज अ प्रिजर्वेटिव विटामिन ई कैप्सूल ऐड करना है। कोरियन अपनी हर रेमेडी में, हर क्रीम्स में चावलों का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो एंटी एजिंग का काम करता है, उसके अलावा आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आती है, चावल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज और चावलों के इस मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स कर लेना। आप 2-3 मिनट्स के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, अच्छी तरह आपस में डिज़ोल्व हो जाएगा। आप हफ्ते में 2-3 टाइम्स इसको यूज़ करेंगे और इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं शीशे के जार में या किसी भी लोहे के जार में। इसमें प्रिजर्वेटिव हैं तो प्लास्टिक को अवॉइड करें और आप फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ट्वाइस अ वीक आप यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने इसमें अगेन विटामिन ई कैप्सूल डाला, आपने चावलों के मिक्सचर में डाला, अलसी के बीज में डाला, अब इसमें 3 आपने विटामिन ई कैप्सूल इसमें ऐड कर लिया और अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, प्रॉपरली अच्छी सी लेयर आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है और आप लोग देखेंगे आपको एक महीने के अंदर अंदर इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एक तो आपका कम्प्लेक्शन ठीक होगा, आपके फेस पे ग्लो आएगी, आपको रिंकल्स नहीं पड़ेगी, कोलेजन की प्रोडक्शन होगी, उसके अलावा आपकी फाइन लाइंस नहीं आएंगी, लाफ लाइन नहीं बनेगी। अगर आप 25 से अबव हैं तो आप ये स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद कोलेजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है और आपकी
नेक पे और फेस पे जब वो प्रोडक्शन कम होती है तो आपको रिंकल्स पड़ते हैं। आपको फ्रेशली इस एज में इतना फील नहीं होता, तो आप लोगों क्या होता है 30 के बाद एकदम पड़ना शुरू हो जाती हैं वो रिंकल्स और आप बहुत ज़्यादा एजिड लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कोई भी मास्क ऐसा जो टाइटनिंग आपके फेस पे इफेक्ट दे उसको आंखों के पास आपने कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। बोलना नहीं है, थोड़ी देर अपनी बुड़बुड़ बंद रखनी है और हंसना नहीं है ताकि आपको ये स्ट्रेचिंग होके लाइन्स ना पड़े, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब फुल ड्राई हो जाएगा ना फिर आपने फेस वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। आप लोग इसको 3 दफ़ा हफ्ते में यूज़ करेंगे, आप लोगों को इतनी अच्छी ग्लो मिलेगी, आपका कॉम्प्लेक्शन इवन टोन होगा, जो आपका अपना नेचुरल कलर है वो ठीक होगा। और अलसी के बीज, अच्छा जी, मैंने फेस वॉश कर लिया है, फुल ड्राई हो गया था मास्क और इतनी ज़बरदस्त स्मूथनेस आती है, ग्लो आती है, आपको फील होता है आपका फेस टाइटनिंग इफेक्ट आया आपके फेस पे, जो लूज स्किन होती है वो ठीक होती है। उसके बाद आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल जो अपने फेस पे यूज़ करते हैं या स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी आप क्रीम यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रॉपरली आपने 1 to 2 मिनट की मसाज करनी है। रोज़ एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑयली स्किन है टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या अपनी क्रीम को, और आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो स्मूथनेस आ रही है और इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन आ रही है, ग्लो कर रहा है। आपका भी ऐसे ही करेगा, इसको ज़रूर यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्यूटी टिप, एक न्यू रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।